नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से किशोरी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों को शक है कि गांव के ही युवक से किशोरी का प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से किशोरी ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही अगली खबर एटा से है, जहां करनी सेना ने आरक्षण में विसंगतियों को लेकर ज्ञापन दिया है। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को विधायक अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर के द्वारा ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को उम्र में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की गई है, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बनाए गए नियम, जिनमें पूरे परिवार की संपत्ति को जोड़ा जाता है, उसे हटाकर लाभार्थी के परिवार की आय करने की मांग की गई है। मेरी माननीय विधायक जी श्री सत्यपाल सिंह राठौर के माध्यम से सरकार से निवेदन करना है कि जो EWS के माध्यम से सामान्य वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया है, तो उस आरक्षण में जो भी विसंगतियां हैं उनको लेकर हमारा ज्ञापन दिया गया है कि उसमें जो भी विसंगतियां हैं, जैसे SC ST वर्ग को या OBC वर्ग को कोरोना काल के माध्यम के समय से लेकर आज तक जो भी हमारे युवा वर्ग के सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट उन्हें भी दी जाए। वही अगली खबर कोटद्वार के कोड़िया से है, जहां पनियाली गदेरा पुल से ऊपर बह रहा है। वहां रहने वाले लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसके घर में इतना पानी भर चुका है कि अगर वो घर के अंदर जाएगा तो पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। दरअसल पनियाली गोदरे के कौड़िया में बहुत ही तबाही मचाई हुई है। आर्मी एरियो को जोड़ने वाला पुल भी ध्वस्त हो गया है, जिससे उनका बाजार से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वहां रहने वाले खौफ के साए में हैं। वहीं प्रशासन हर बार बरसात में ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की बजाय पल्ला झाड़ लेती है, और उनकी पीड़ा को प्रशासन या जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं जाते। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मनचले युवक को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया, क्योंकि युवती ने अपने भाइयों को बुलाकर युवक को जमकर पिटवा दिया। दरअसल युवक लड़की के फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। धमकी के बाद भाइयों ने लड़की को पकड़कर जमकर बुरी तरह से पीट दिया। वही अगली खबर रायबरेली से आ रही है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने मार्क ड्रिलर करके आग से सुरक्षा और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। वही अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जनता इंटर कॉलेज हरचंदपुर और चंद्रपाल इंटर कॉलेज गंगागंज में छात्र छात्राओं को आग लगाने के बाद किस तरह से घरेलू संसाधनों के जरिए आग पर काबू पाने का अभ्यास कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये मुख्यालय फायर सर्विस और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम अनवरत चलाया जा रहा है जनपद में। उसी क्रम में कल जनता इंटर कॉलेज हरचंदपुर और चंद्रपाल इंटर कॉलेज गंगागंज में ये अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं अध्यापकों सभी को अग्नि सुरक्षा से होने वाले खतरों के बारे में तथा आग लगने ही न पावे इसके लिए क्या करें। वही अगली खबर गोंडा से है, जहां मंच पर ही सांसद ब्रजभूषण रो पड़े।
दरअसल संत के गाना गाते ही ब्रजभूषण चरण सिंह के आंखों से आंसू बहने लग गए। वही मंच पर भावुक होकर ब्रजभूषण बोले कि जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां सीमा कुशवाहा के नेतृत्व में मणिपुर महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता, पूर्वक हिंसा और उसकी आवाज उठा रहे सांसद माननीय संजय सिंह के निलंबन पर आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया। दरअसल लोगों की मणिपुर हिंसा के बाद मांग है कि मणिपुर सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट नीलम चौधरी है, मैं महानगर का सचिव हूँ यहाँ की जिले की। और हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, लोग माननीय संजय सिंह जी को निलंबन किया है और उनको बर्खास्त कर दिया, उनको सस्पेंड किया गया है और उनकी बहाली के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको बहाल किया जाए, क्योंकि मणिपुर में जो घटनाएं दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, मोदी जी चुप्पी साधे रहे, उन्हें कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। वही अगली खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा। सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के निगरानी में जगह जगह से ताजिए के जुलूस निकाले जा रहे। डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर करबला क्षेत्र का पूरी तरह से भ्रमण कर रहे हैं। देखिए आज मुहर्रम के अवसर पर जो विभिन्न जुलूस है, इसके संबंध में पूर्व में कई बार सभी धर्मगुरुओं से, सभी पीस कमेटी के सदस्य व अन्य लोगों से संवाद स्थापित करके पीस कमेटी की बैठक की गई है। इसके अलावा जनपदीय पुलिस के अलावा हमको मुख्यालय से अतिरिक्त पीएसी और आरएएफ की पुलिस टुकड़ी मिली है, जिन सबको लेकर के व्यापक पुलिस प्रबंध बनाया गया है। जुलूस के साथ जो हमारा पुलिस प्रबंध है, उसके अतिरिक्त आम व्यक्तियों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए यातायात का एक अलग से पुलिस प्रबंध किया गया। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। स्कूटी में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में कामयाब हुए। दरअसल शॉर्ट सर्किट के कारण स्कूटी में आग लगी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। यहाँ पे जैसे मिस्त्री काम कर रहा था, सुबह स्कूटर में आग लगी, इन्हें स्विच ऑन किया था एकदम, और एकदम से बहुत तगड़ी आग लगी, कम से कम 10-15 मिनट तक आग लगी और इसमें कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान है और मालिक मिस्त्री से रोना है, कहने का आप पैसा आप दोगे। कहाँ का मालिक है? मालिक सरदनगर रहने वाला है। क्या कराने के लिए बोला है? ये जो कह रहा है, मैं इसे स्टार्ट करवाने के लिए लाया था, बता रहा है कि पूरा इसमें पानी भरा हुआ था रात का, जैसे इन्हें स्विच ऑन करी वायरिंग में आग लग गई एकदम बस। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में थाना नकुड़ पुलिस के द्वारा लूट के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगने की वजह से उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हो पाई। दरअसल बदमाश पर जनपद के विभिन्न थानों पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वही गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 5,000 रुपए नकद, एक सिलेंडर और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। वही एक तमंचा और दो खोखा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर को बरामद किया गया है। थाना नकुड़ पर आज सुबह वाहन चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और दूसरा उसका साथी भागने में सफल रहा है। जो पकड़ा गया बदमाश है, इसका नाम दीपक है और ये थाना नकुड़ से हिस्ट्री शीटर अपराधी है। ये थाना नकुड़ से ही एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। जो अपराधी है, इस पर 20 से अधिक मुकदमे हैं और इसका जो अन्य साथी फरार हुआ है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। वही अगली खबर झांसी से आ रही है, जहां सावन के महीने में अधिकतर कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा आपस में अटखेलिया करता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया है कि झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम
टकटौली में मूंगफली के खेत में एक जोड़ा खेलते हुए नजर आया। वहीं लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम नया गांव में भी एक जोड़ा अटखेलिया करते हुए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां तहसील गरौठा के गुरसराय के सड़क के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। वहीं मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव की शिनाख्त में लग गए। वही अगली खबर कानपुर से आ रही है, जहां एक पुजारी ने अश्लीलता की सारी हदें को पार कर दी है। देर शाम अपने भाई के साथ दूध पीने निकली नाबालिग के साथ उसने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे डाला। छेड़छाड़ से दहशत में आई नाबालिग और उसके भाई ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने गवा थाना में शिकायत दर्ज कराई। छेड़छाड़ की वारदात से नाबालिग और उसके परिजन काफी दहशत में हैं और तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। देखिए, अभी एक घंटा पहले ही एक सूचना प्राप्त हुई है थाना ग्वालटोली क्षेत्र में के परमठ चौकी क्षेत्र की, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र करीब 9-10 साल है, उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा जो छेड़खानी की गई है। इस संबंध में जो लड़की के माता पिता हैं वो थाने पर आए थे, उन्होंने तहरीर दी है, जिसके आधार पर हम लोग एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं उसमें, और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं जो विवेचनात्मक तथ्य हैं अन्वेषण के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद और केरल के सह प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर माल्यार्पण कर बधाई दी गई। वही अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां चमोली की सीमा के मध्य कमेड़ा में सुबह से बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH द्वारा युद्ध स्तर पर JCB मशीनों के कार्य कर यातायात हेतु खोल दिया गया। बता दें कि देर रात हुई तेज बारिश के कारण कमेड़ा में NH फिर से बाधित हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की तमाम सड़कें खस्ताहाल है, जिन पर पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से प्रतिदिन कई ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों की हालत कितनी खराब है। आमजन कई बार नगर निगम से सड़क की मरम्मत की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके इस मामले पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां कोर्ट में तलाक का केस चलने के दौरान महिला ने दूसरे युवक से शादी कर ली। ये बात जब पहले पति को पता चली तो वो अपनी पत्नी के दूसरे पति को तलाशता हुआ ऋषिकेश पहुंच गया। इस दौरान उसकी मुलाकात तहसील के निकट दूसरे पति से हो गई, जहां दोनों पति अपनी एक पत्नी को लेकर आपस में बहस करते हुए नजर आए। पहले पति ने आरोप लगाया कि उसका अपनी पत्नी से 13 साल का बेटा भी है। फिलहाल उसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इस दौरान उसकी पत्नी ने बेटे को भी अपने से दूर कर दिया है। अब पता चला है कि पत्नी ने बगैर तलाक के दूसरी शादी कर ली है, जबकि दूसरे पति का कहना है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी की पहली शादी हुई है और उसका बेटा भी है। यह जानकारी दोनों पति के सामने आने के बाद अब दोनों पति अपनी पत्नी को लुटेरी दुल्हन का नाम दे रहे हैं और दोनों पतियों का कहना है कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा भी किया हुआ है, जिससे वो बेहद परेशान है। दोनों पति क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और समस्या ये है सर, मेरी शादी हुई थी 2023 में जून में, 1 जून को,
अब मुझे शादी के 20 दिन बाद पता चला कि इसका एक 12 साल का बच्चा भी है पहली शादी से। तो मैंने इसको इससे पूछा तो इसने मेरे इसको मना कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है। इसने मुझे से झूठ बोल के भी शादी की है, धोखे से बताया मुझको, इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने। ये फ्रॉड करती है, ये दूसरों के साथ शादी करती है, फ्रॉड करती है, ये फ्रॉड है। इनका ग्रोह है पूरा, इनकी बुआ, इनकी बहन, इनके भाई, जो बुआ का लड़का है वो भी इनमें शामिल है। इनका पूरा ग्रोह है, ये फंसाते हैं दूसरे को। वही अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के मुख्य मार्ग के किनारे खाली पड़ी जमीन पर लोग कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम के द्वारा कई बार लोगों को खुले में कचरा नहीं फेंकने के लिए जागरूक भी किया गया, बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्षद जयेश राणा ने खाली जमीन को कचरा मुक्त करने के लिए जमीन का सौहार्द करने का प्रस्ताव नगर निगम को दिया। पार्षद जयेश राणा ने बताया कि मेयर अनीता ममगाई ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारी माननीय महापौर से मीटिंग हुई थी बैठ करके, और हमने महापौर को इस विषय में मैंने उनको बताया है कि क्षेत्र के आने जाने वाले रास्ते में सबसे ज़्यादा मुख्य मार्ग है, सबसे पहले रास्ता जो है एम्स तरफ से पड़ता है। सौंदर्यकरण को देखते हुए मैंने उनसे बात रखी है कि मैडम इस पर जो है आप एक ओपन जिम करके इसका एक सौंदर्यकरण करवाएं, और यात्री प्रतीक्षालय अगर बन सकता है तो यात्री प्रतीक्षालय बना करके इस जगह का सौंदर्यकरण करें, जिससे जो है इसमें यहाँ पे कूड़ा डलने की समस्या का जो है समाधान हो पाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।